hello in this video we are going to solve question number 5 from exercise 9c new syllabus mathematics or exercise 7c of new secondary mathematics the question is an overnight train left at 2155 on a journey that took 9 hours and 18 minutes given that the train departed on a monday Find the day and time at which it arrived at its destination. So, a train left at 21.55 on a journey. It means 21.55 is the departure time. A journey that took 9 hours and 18 minutes. It means 9 hours and 18 minutes is the journey time. फाइंड दिव इट्स मीन टू फाइन दोसिजर वही है टाइम लाइन के शुरू में हम लिखते होते हैं डिपार्चर टाइम विच इज ट्वेंटी वन फिफ्टी फाइव जर्नी टाइम हम लिखते हैं टाइम लाइन के ऊपर तो यहाँ लिखा जाएगा नाइन आवर्स एंड एटीन मिनट एंड वी हैव टू फाइंड द अराइव टाइम ट्वेंटी वन फिफ्टी फाइव के नियरेस्ट नेक्स्ट आर कौन सा है इट इज ट्वेंटी टू सो ट्वेंटी टू आवर्स और ट्वेंटी बाद ट्वेंटी टू आएगा इट इज फाइव मिनट्स। अब हमने कवर करने हैं नाइन आवर्स नाइन आवर्स को देखते हैं ट्वेंटी टू है उसके बाद 23 होगा फिर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये हमारे पास नाइन आवर्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आवर्स तो नाइन आवर्स कितने बजे जाके हुए हैं सेवन पे एट सेवन आवर्स अब टोटल जो जर्नी टाइम हमने कवर करना था दैट इज नाइन आवर्स एंड एटीन मिनट्स हम नाइन आवर्स कर चुके हैं और मिनट्स में एटीन मिनट्स में से फाइव मिनट्स हम कर चुके हैं तो बाकी कितने मिनट्स रह गए थर्टीन मिनट्स तो सात बजे के बाद थर्टीन और मिनट्स हो जाएं तो टाइम क्या होगा इट वुड बी सेवन थर्टीन तो इसका मतलब है कि अराइवल टाइम इज सेवन थर्टीन और हमें ये भी कहा हुआ है कि डे भी बताएं। अगर मंडे को वो चली ओवरनाइट है अगले दिन फिर क्या होगा ट्यूसडे? सो द ट्रेन अराइव एट सेवन थर्टीन ऑन हैप्पी लर्निंग